ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सिर्फ बालिका की राजनीति क्या होती है, यह अगर किसी ने कर दिखाया है तो वह सुखराम परिवार है। यह कहना पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृपाल परमार का है। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दल बदल की राजनीति के सिरमौर अगर कोई रहे हैं तो वह सुखराम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुखराम ने ही दल बदल की राजनीति का शुभारंभ किया था और वही इसका समापन करेंगे। नूरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कृपाल सिंह परमार ने कहा कि दल बदल की राजनीति के सिरमौर अगर कोई हैं तो सुखराम हैं। उन्होंने कहा कि सुखराम ने ही दल बदल की राजनीति का शुभारंभ किया है और वही इसका समापन करेंगे। परमार ने कहा कि इस परिवार को कभी कांग्रेस पार्टी में घुटन होती थी तो कभी भाजपा में, ऐसे में इस परिवार को सलाह है कि वो अपना ECG करवाए। परमार ने कहा कि अनिल शर्मा ने कल जो इस्तीफा देकर अपने पुत्र के साथ जाने के संकेत दिए हैं वो उनका राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा आत्मघाती पग है। उन्होंने कहा कि सुखराम के पुत्र ने अपने मंत्री पद खोया है, कल वो विधानसभा की सदस्यता भी खोएगा, वहीं उनका पौत्र लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ सुखराम के परिवार का राजनीतिक अंत भी होगा। परमार ने कहा कि सुखराम एक सजा याफ्ता है जिन्हें 3 साल की सजा हुई है और आज वो पौत्र मोह में पूरे परिवार की राजनीति का अंत करने में तुले हैं। कल अनिल शर्मा जिन्हें अपना मंत्री पद से इस्तीफा दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अवसरवादिता का जीता जागता प्रमाण अगर कोई है तो वो सुखराम का परिवार है। सुखराम जी ने हिमाचल प्रदेश में दल बदल की राजनीति के सिरमौर कहे जा सकते हैं कि मुझे लगता है कि दल बदल की राजनीति सुखराम जी ने शुरू की और सुखराम जी इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा गैमल उन्होंने खेला है और इसमें उनकी हार निश्चित है। आज बेटे ने मंत्री पद गवाया है, कल उनका बेटा विधानसभा की सदस्यता गवाएगा और उनका पोतर जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारेगा। इसी के साथ जो है वो सुखराम के परिवार की राजनीति का अंत होगा, ऐसा मुझे लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि करप्शन के केस में सजा याफ्ता है, उनको 3 साल की सजा हुई है और पहले पुत्र के मोह के कारण वो BJP में आए, तब उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस में घुटन हो रही है और अब अनिल शर्मा अपने पुत्र के मोह के कारण कैबिनेट से इस्तीफा देकर अपने बेटे के प्रचार करने के लिए निकलने वाले हैं या निकलेंगे। मुझे तो लगता है कि उनको अपना ECG करवाना चाहिए कि उनका बार बार दम क्यों घुटता है। वार्ता के दौरान उनके साथ राकेश पठानिया भी मौजूद थे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए S2Day के साथ। नमस्कार।